नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जैसो दाल, जो कि एक पहाड़ी डिश है। और दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमको उड़द दाल चाहिए होती है, जिससे आप दाल मखनी बनाते हैं वही दाल चाहिए होती है। तो उसको आज मैं सबसे पहले सिखाऊंगी, अपने पहाड़ी वे में बनाने वाला मेथड सिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ में होता क्या था कि हमारे खेतों में ही उड़द दाल हो जाती थी और हमारे घर में रहता था सिलबट्टा। तो हम लोग क्या करते थे कि उस दाल को हल्का सा धूप में सुखा करके उसको सिलबट्टे में पीस लेते थे। और सिलबट्टे में पीसने के बाद हमारे पास घर में ही देसी घी होता था, हम देसी घी में उसको भून लेते थे, यानी कि रोस्ट कर लेते थे। और हमें इससे प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो अगर वो पहाड़िया गाँव की उड़द दाल है तो उससे तो और भी अच्छा, हमारे लिए तो बहुत उपयोगी होता है। तो दोस्तों, ये था पहाड़ का बनाने वाला मेथड। और अभी दोस्तों क्या हो गया है कि हमारे घरों में मिक्सी हो गई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले से ही उड़द दाल को हम पीस करके रख दे रहे हैं घर में। तो इसमें होता क्या है कि जब हम कभी बाहर से आ रहे होते हैं तो हमारे पास दाल पीसी हुई मिल जाती है हमको, तो हमको क्या करना है, पीसी हुई दाल को जितना भी आपको बनाना है, आपको देसी घी में उसको भूनना है और 8 मिनट में जैसो दाल बन के तैयार हो जाती है। तो ये था दोस्तों अभी वाला मेथड। तो मैं तो अभी वाला मेथड आपको बताऊंगी और मेरे साथ आप वीडियो में आगे तक बने रहे। जैसो दाल बनाना, ये हो गया उड़द दाल, ये हो गया घी, ये हो गया टमाटर, ये हो गया जीरा, और ये लहसुन और अदरक, ये हो गया प्याज, और ये हरी मिर्ची और धनिया पत्ते। तो स्टार्ट नाउ। पहले लेंगे हम उड़द दाल और इसको हम ग्राइंड करेंगे। अब हमने उड़द दाल को ग्राइंड करके उसका फाइन पाउडर बना दिया है। अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई रखते हैं गैस के ऊपर और गैस जलाते हैं। इसके बाद जब कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाएगी तो इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। तो हमने ये घी डाल दिया है, 2 बड़े चम्मच घी डाला है। और अभी जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो घी मेल्ट हो जाएगा, और ये घी लगभग मेल्ट हो गया। उसके बाद हमने इसमें डाला है जीरा, और जीरा जैसे ही तड़कने लगेगा तो उसके बाद रेडी है हमारे प्याज। तो ये जीरा तड़कने लग गया है और अब डालेंगे हम प्याज। तो प्याज डाल दिए हैं हमने, और ये प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। जैसे ये थोड़ी सी हल्के से ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद रेडी है हमारा गार्लिक और जिंजर पेस्ट। अब डल गया है गार्लिक जिंजर पेस्ट, और थोड़ी देर तक हम इसको पकाएंगे। और जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद रेडी है हमारी ग्रीन चिली। तो इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, तो ये फिर जलेंगे नहीं। लगभग लगभग प्याज ब्राउन हो चुके हैं, और अब हमने डाल दिया ग्रीन चिली। तो हल्का सा हम इसको भी पकाएंगे, और उसके बाद डायरेक्टली ये हम डाल रहे हैं उड़द दाल का फाइन पाउडर, और अब हम इसको भूनेंगे। तो इसको भूनेंगे दोस्तों हम इतने टाइम तक कि जब तक ये ब्राउन ना हो, और ब्राउन के साथ साथ में ये महकना भी चाहिए, तो इसकी बहुत अच्छी सी महक आती है। तो ये हम इसको चलाते रहेंगे, चलाएंगे नहीं तो ये नीचे जल जाता है। तो हमने वैसे गैस को हमने सिम पे किया है, लेकिन ऐसे ही सिम गैस पे इसको हमें चलाते रहना है। और एक साइड में हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, और ये पानी भी उबलना चाहिए। और एक साइड में हमने पानी रख दिया, और इधर हम इसको फिर से चलाते रहेंगे। और इसको भूनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा है, और अब ये महकने भी लग गया है। और अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। तो मसाले आपको जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी, रेड चिली, धनिया पाउडर और गरम मसाला, बस यही बेसिक मसाले डलते हैं इसमें। और हल्का सा फिर हम इसको और चलाते रहेंगे, और अब ये पानी डालने के लिए रेडी हो गया है। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से अच्छे से भुन गया है।
और अब हम इसमें मिलाएंगे टमाटर। तो ये हमने टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर भी जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे क्योंकि वो बारीक कटे हुए थे। तो टमाटर पक गए हैं इसमें और अब हम पानी डालेंगे। तो ये पानी भी यहाँ पे उबल रहा है, तो जितना पानी उबलेगा और जितना गर्म रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये पानी डाल दिया। तो दोस्तों आप इसको बहुत इजी वे में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास इतने सारे इंग्रेडिएंट नहीं हैं, आपके पास सिर्फ उड़द दाल हो गया और घी हो गया, जीरा हो गया और बेसिक मसाले और नमक, बस इतनी चीज़ें भी आपके पास हैं, तो आप इजी वे में बना सकते हैं इसको और बहुत अच्छा एकदम से टेस्टी बन जाएगा। तो एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेडी हो गया है ये, तो हम इसको कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहेंगे और थोड़ा चलाना भी पड़ेगा इसको साथ साथ में, और इतने में ही ये पक जाएगा। तो रेडी हो गया हमारा चैसू। और दोस्तों अब हमने इसमें लास्ट में मैंने नमक डाला है, पहले नहीं डाला था, मैंने देखा था कितना है, किसकी कितनी क्वांटिटी है, उस हिसाब से मैं नमक डालूंगी इसमें। तो अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और मैंने काफ़ी गाढ़ा बनाया है इसको। और मोस्टली ये जो भी लोग भी बनाते हैं इसको, तो ये लंच में ही बनाते हैं, ये चावल के साथ ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चावल के साथ ही खाते हैं इसको। और आप अपने हिसाब से पतला भी बना सकते हो, मैंने थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही रखा है इसको। तो ऑलमोस्ट बन चुका है ये। तो दोस्तों ये मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें धनिया पत्ते डाले हैं। तो ये हमारे पहाड़ों में लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, और अभी हम लोग तो बाहर हैं तो हम लोग मिक्सी में पीस करके रख देते हैं, कभी इधर उधर से आए तो हम बना लेते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं उस टाइम पे, तो पिसा हुआ रहता है, उड़द दाल पिसी हुई रहती है। ये रेडी हो गई है हमारी पहाड़ी थाली। तो ये हमारा पहाड़ी डिश है। तो दोस्तों आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए। ये है हमारी उड़द दाल से बनी हुई चौसू दाल की रेसिपी। तो ये मैंने तो काफ़ी गाढ़ी बनाई है इसको, तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी बना सकते हैं, और ये मेनली लंच में ही बनती है और चावल के साथ आप इसको खा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए और फिर इसका टेस्ट बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कमेंट्स में बता देना आप कि कैसे बनी है, और पक्का आप ट्राई कीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप और भी डिश के बारे में जानना चाहेंगे तो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, और पहाड़ के बारे में और कुछ भी जानना चाहोगे तो दोस्तों आप कमेंट्स में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।